हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। आज से हम लोग रूट क्रॉप्स स्टडी करेंगे। बल्बस क्रॉप्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है, अनियन और गार्लिक के बारे में पिछले लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर में हम लोग रूट क्रॉप्स की स्टडी करेंगे। लेक्चर 6 है ये। रूट क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, कौन सी वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं? तो इसका आंसर ये है कि रूट क्रॉप्स उन वेजिटेबल्स को बोलते हैं जिनमें जो रूट है वो मॉडिफाई हो करके फूड स्टोरिंग ऑर्गेन की तरह जो है बिहेव करती है। मींस वो सब्जियां जिनमें रूट्स में मॉडिफिकेशन हो जाता है फूड स्टोरेज के टर्म्स में, तो ऐसी वेजिटेबल्स को हम रूट क्रॉप्स कहते हैं। मींस रूट जो है मॉडिफाई होके फूड स्टोर करती है, जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, बीट रूट है, पार्सनिप है। तो ये सब तमाम सारी मेजर जो है वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी माइनर्स भी हैं, स्वीट पोटैटो वगैरह है। तो ये सब जो है रूट क्रॉप्स की कैटेगरी में आती हैं। तो इन्हीं रूट वेजिटेबल क्रॉप्स की हम लोग को स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग आज कैरेट की स्टडी करते हैं कि कैसे कैरेट जो रूट वेजिटेबल है इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मीन्स कैसे इसका प्रोडक्शन करते हैं और जो है कैसा इसका प्लांट होता है या क्या इसके इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ों को डिटेल में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कैरेट का। कैरेट को बॉटेनिकली डॉकस कैरोटा बोलते हैं। क्रोमोजोम नंबर इसका 18 होता है, 2n डिप्लॉइड है ये, 18 क्रोमोसोम नंबर है इसका। फैमिली एपीएसी है, जिसको एम्बेलीफेरी फैमिली भी बोलते हैं। एम्बेलीफेरी पुराना नाम था, एपीएसी जो है नया नाम है। तो ये एपीएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये कूल सीजन की रूट वेजिटेबल है, मींस इसका जो प्रोडक्शन और कल्टीवेशन होता है वो कूल सीजन में होता है, इसीलिए कैरेट को कूल सीजन रूट वेजिटेबल भी बोलते हैं। कैरेट रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा कैरोटीन एंड कंटेन सुक्रोज 10 टाइम्स दैट ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मींस ये कह रहा है कि कैरेट जो होती है हमारी, स्पेशली जो ऑरेंज या येलो कैरेट है, वो रिच सोर्स है अल्फा और बीटा कैरोटीन। अल्फा और बीटा कैरोटीन हम लोग जानते हैं कि ये प्रो वाइटमिन ए हैं। प्रो वाइटमिन ए का मतलब कि ये विटामिन ए की सिंथेसिस के प्रिकर्सर हैं। अल्फ़ा और बीटा कैरोटीन ये प्लांट पिगमेंट्स हैं जो कि विटामिन ए के सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर का काम करते हैं, है ना। तो कैरेट जो ऑरेंज येलो कैरेट होती है वो अल्फ़ा बीटा कैरोटीन में रिच होती है। साथ ही आप लोगों ने पर्पल ब्लैक या थोड़ा रेडिश जो रेड या पिंक कलर की कैरेट देखी है उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है। कैरोटीन भी होता है पर एंथोसाइनिन ज़्यादा होता है। तो ये जो है इसकी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेट जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। साथ ही साथ कैरेट लीव्स आर गुड सोर्स ऑफ लीफ प्रोटीन, मींस इसकी लीफ जो है काफ़ी प्रोटीनेशियस होती है, तो इसको ये भी एडिबल होती है। इसको ज़्यादातर फॉडर और पोल्ट्री फीड की के जो है प्रिपरेशन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। पर्पल और जो ब्लैक कैरेट होती है, पर्पल या ब्लैक कैरेट जो कि एंथोसाइनिन से रिच होती है, आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस कॉल्ड कंजी। कंजी एक बेवरेज है, गुड एपेटाइजर है ये, मींस एक तरह का ड्रिंक है जो कि पर्पल और ब्लैक कैरेट से ये जो है प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि पूछा जाता है कि कंजी जो है किससे प्रिपेयर की जाती है, तो पर्पल या ब्लैक कैरेट, इस ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये कैरेट जो है रिच सोर्स है कैरोटीन का और एंथोसाइनिन का। कैरोटीन जो कि प्रो विटामिन प्रिकर्सर है, यानी विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए ये इसेंशियल होता है। साथ ही साथ इसके सीड से जो है एसेंशियल ऑयल भी जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि तमाम तरह के लिक्वर्स मतलब तमाम तरह के ड्रिंक्स और फूड में एज अ सब्स्टिट्यूट के तौर पर या फ्लेवर ऐड करने के लिए इसके ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कैरेट की रूट का कलर की बात की जाए तो कैरेट में जो कैरेट की जो रूट है उसमें मतलब कलर्स को लेकर के बहुत सारा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली कलरलेस भी रहती है,
और जो है लाइट लेमन कलर की भी आपको मिलेगी, लाइट ऑरेंज कलर की भी होगी, डीप ऑरेंज, लाइट पर्पल, डीप पर्पल से लेके ऑलमोस्ट ब्लैक कलर, मीन्स हर तरह के कलर की रेंज में आपको, हर तरह के कलर रेंज में आपको जो है कैरेट जो है देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके ओरिजिन पर। तो कैरेट का जो ओरिजिन है वो माना जाता है यूरोप और साउथ वेस्टर्न एशिया, मीन्स मेनली ईरान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, इस एरिया को इसके प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारी डॉकस कैरोटा और उससे रिलेटेड जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इस रीजन में जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को, रूट कैरेक्टर को लेकर के देखी गई है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो यूरोपियन या साउथ वेस्टर्न एशिया वाला जो रीजन है यही इसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है। नेक्स्ट है इसकी बॉटेनिकल फीचर पर। तो आप लोगों ने कैरेट देखा ही है, गाजर है ना, तो कैरेट ये एक एनुअल और बाइनियल हर्ब है। एनुअल और बाइनियल क्योंकि कुछ कैरेट जो है एनुअल लाइफ साइकिल की होती हैं और कुछ बाइनियल लाइफ साइकिल की होती हैं, जिनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो ये एनुअल और बाइनियल हर्बेशियस प्लांट है, जिसमें विद एन इरेक्ट ब्रांच्ड स्टेम, जिसमें एक इरेक्ट और ब्रांच्ड जो है स्टेम पाई जाती है 30 to 120 cm हाइट की, अराइजिंग फ्रॉम ए थिक फ्लैशी रूट। तो आप ये इमेज में देख सकते हैं कैरेट प्लांट को कि एक हर्बेशियस प्लांट है जिसमें एक थिक फ्लैशी रूट है अंडरग्राउंड पार्ट पर, और अबव दी ग्राउंड जो है आप देख रहे हैं कि लीव्स और जो है ब्रांच्ड जो है शूट आप इसमें देख सकते हैं। ये हर्बेशियस प्लांट है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट है कैरेट प्लांट। नेक्स्ट है लीव्स आर पिन्नेट, इसकी लीफ जो होती है वो पिन्नेट, उसका जो लीफ का आप मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं वो पिन्नेट कहलाती है। एडिबल पोर्शन इसका फ्लैशी टैप रूट है, मतलब जो मेन एडिबल पोर्शन है रूट का वो कहलाता है फ्लैशी टैप रूट, कंपोज्ड ऑफ एन आउटर कॉर्टेक्स फ्लोएम एंड इनर कोर जाइलम। मीन्स जो ये जो टैप रूट होती है, अगर आप इसको बीच से इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें यानी इसको काटें, तो आप देखेंगे कि जब भी आप गाजर काटते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि सेंटर वाले पोर्शन थोड़ा सा वाइट वाइट सा होता है और बाहर पेरीफेरी का पोर्शन कलर्ड होता है ना। तो जो कलर्ड वाला पोर्शन है एक्चुअली वो पूरा कॉर्टेक्स है, जिसमें से बाहर का जो कलर्ड वाला पोर्शन है वो फ्लोएम कहलाता है ना, और जो इनर वाइट पोर्शन आपको दिखता है वो होता है जाइलम। तो जहाँ पर कि कैरोटीन या एंथोसाइनिन का पिगमेंट ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होता है, फ्लोएम वाले यानी आउटर वाले पोर्शन पर जो है कैरोटीन और एंथोसाइनिन पिगमेंट ज़्यादा होता है। तो ये जो फ्लोएम और जाइलम ये रूट का सेंट्रल पार्ट है टैप रूट का। तो एडिबल पोर्शन क्या हुआ, पूरी की पूरी फ्लैशी टैप रूट जो कि मिल के बनी होती है फ्लोएम और जाइलम से, है ना, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कोर। उसके बाद नेक्स्ट है इसका इनफ्लोरेसेंस, यानी इसका फ्लावर जो है वो अम्बेल कहलाता है। इसके इनफ्लोरेसेंस को हम लोग अम्बेल बोलते हैं, और इंडिविजुअल फ्लावर्स आर बाईसेक्सुअल विद वाइट और येलो पेटल्स। आप ये देख सकते हैं इमेज में, इसके फ्लावर्स की इमेज है, ये अम्बेल टाइप का इनफ्लोरेसेंस है जिसमें वाइट या येलो कलर की आपको पेटल्स देखने को मिलती हैं, है ना। और इसमें ये इनफ्लोरेसेंस है पूरा, और एक इनफ्लोरेसेंस में बहुत सारे फ्लावर क्लस्टर्स हैं। तो जो है ये ग्रुप ऑफ फ्लावर क्लस्टर से जो है ये पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस। उसके बाद है, अगर आप इसके फ्लावर्स को आपने ध्यान दिया होगा तो ये थोड़ा सा जैसे आपकी कोरिएंडर है उसके फ्लावर से ये मैच करता है, क्योंकि ये कोरिएंडर भी इसी फैमिली का है, धनिया वाली फैमिली का है, तो इसका फूल और धनिए का फूल लगभग एक जैसा थोड़ा सा मैच करता है। दे आर सो कॉल्ड कैरेट सीड, दे सो कॉल्ड कैरेट सीड इज एक्चुअली ए फ्रूट। जो कैरेट का सीड है, थर्ड वाली इमेज अगर आप देखिए, तो ये जो कैरेट का सीड है ये एक्चुअली सीड नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्रूट है। क्यों? क्योंकि ओवरी जो है अंदर के जो सीड है अंदर, उस ओवरी जो आउटर मेरिकार्प है वो अंदर के सीड कोट से पूरी तरह से अटैच्ड रहती है, इनडेसेंटली अटैच्ड रहती है, इसलिए हम इसे पूरा का पूरा सीड कहते हैं। जैसे गेहूं की अगर बात की जाए, आप लोगों ने गेहूं में भी पढ़ा होगा, तो गेहूं जो दाना है गेहूं का वो पूरा का पूरा फ्रूट कहलाता है ना।
और जो है वही वो सीड भी है, क्योंकि उसमें जो आउटर का जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो पूरी तरह से फ्यूज्ड रहता है अंदर जो मेन सीड है, सीड कोट से। तो उसी तरह कैरेट में भी होता है कि ये पूरा का पूरा फ्रूट है जो कि एक इनडेहिसेंट मेरिकार्प है जिसमें एक सिंगल सीड होता है। तो टू मेरिकार्प मीन्स ओवरी का जो ओवरी ओवेरियन पोर्शन है, तो टू मेरिकार्प पेयर टू फॉर्म ए सिंगल रिजोकार्प, द रियल कैरेट फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम ए टू लोक्यूल्ड ओवरी। और जो रियल कैरेट फ्रूट है ये दो लॉक टू ओवरी जो इसमें होती है फ्लावर में दो लॉक्यूल की होती है, इसीलिए टू मेरिकार्प का फ्यूजन से जो है एक सिंगल रिजोकार्प बनता है और उसमें सीड होता है। फिर नेक्स्ट है रूट डेवलपमेंट। रूट डेवलपमेंट की अगर बात की जाए कि कैरेट में रूट डेवलपमेंट कब से शुरू होता है और कैसे होता है, तो 12 to 16 days आफ्टर सोइंग यानी बुआई के 12 से 16 दिन के बाद जो टैप रूट होती है वो अपनी ऑप्टिमम लेंथ तक पहले गेन कर लेती है, यानी रूट को जितना लंबा जाना है वो उतनी लंबाई तक पहले ग्रो हो जाती है ना। जैसे कैरेट की जो लेंथ है, गाजर की जो जड़ की लंबाई है, वो जितनी लंबी उसे होना है वो उतनी लंबाई तक पहले वो ग्रो कर जाती है ना। और ये भी, और उसकी लंबाई कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि कौन सी वेराइटी है ना। साथ ही साथ सॉइल में कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि किसी तरह से कॉम्पैक्ट सॉइल तो नहीं है कि जो है जड़ अंदर गहराई तक ना जा पा रही हो, कोई हार्ड पैन या कंकड़ पत्थर या क्लेई सॉइल तो नहीं है, है ना। अगर सैंडी सॉइल होगी तो जड़ अच्छी खासी लंबाई तक नीचे जाएगी, और अगर क्लेई सॉइल होगी तो वो रूट की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करेगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है डिसाइड करते हैं कि जो कैरेट की जो रूट है वो अंदर कितनी गहराई तक जाएगी। उसके बाद जब वो पूरी लेंथ कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद जो है डायमीटर में कैरेट जो है ग्रो होना शुरू करती है, मीन्स उसमें फूड स्टोर होने लगता है और जड़ जो है मोटी होने लगती है। यानी कितनी लेंथ तक जानी है वो पहले डिसाइड हो जाता है, उसके बाद जो है कैरेट में फूड स्टोरेज शुरू होता है। तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि टेम्परेचर का बहुत रोल होता है रूट डेवलपमेंट पे, क्योंकि हाई टेम्परेचर और इरेगुलर वाटर सप्लाई, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वाटर सप्लाई जो है सप्लाई इरेगुलर है, मीन्स आप रेगुलर मॉइस्चर सॉइल में नहीं है, ये कभी बहुत ज़्यादा सूख जा रहा है या कभी बहुत सारा पानी हो जा रहा है, तो इसकी वजह से डीप डिप्रेशंस जो है रूट में देखने को मिलते हैं। मीन्स गाजर की जो जड़ होती है मतलब रूट जो कैरेट है उसमें आप देखिए बहुत आपको गड्ढे देखने को मिलते हैं उसकी सरफेस पर, है ना। तो ये हाई टेम्परेचर और इरेगुलर वाटर सप्लाई की वजह से होता है। और अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इरिगेशन हो गया है, मीन्स आपने जो है ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई भी कर दी है, तो वाइट कलर की जो है कॉर्की आउटग्रोथ जो है रूट पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। कॉर्क मतलब जो है खुरदुरा खुरदुरा सा एक कॉर्क जैसा उभरा हुआ सा वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है वो गाजर की सरफेस पर आ जाएगा। तो ये सब एक्सेसिव इरिगेशन और इरेगुलर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये सारी जो है रूट डेवलपमेंट के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है। एक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर माना गया है कि ये कलर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। मीन्स कलर डेवलपमेंट मतलब कि अगर इस रेंज का टेम्परेचर रहेगा रूट डेवलपमेंट के दौरान गाजर में जब उसकी ग्रोथ हो रही है उस दौरान 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है वो उसमें कैरोटीन और एंथोसाइनिन जैसे पिगमेंट के एक्यूमुलेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके जो रूट डेवलपमेंट के दौरान जो है टेम्परेचर जो है इसी रेंज में होना चाहिए, और कैरोटीन कंटेंट अबव 21 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने लगता है। मीन्स अगर तापमान ज़्यादा मतलब जो है बढ़ने लगेगा यानी 21 से अबव टेम्परेचर होने लगेगा और 15 से बिलो होने लगेगा, तो ऐसा देखा गया है कि कैरोटीन का कंटेंट या कैरोटीन की सिंथेसिस कैरेट में बहुत कम होती है। तो यानी इस रेंज का टेम्परेचर रहना 15 से बहुत कम नहीं होना चाहिए और 21 से अबव नहीं जाना चाहिए। कैरोटीन एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस फर्स्ट इन ओल्ड फ्लोएम सेल्स फॉलोड बाई ओल्ड जाइलम वेसल्स एंड फाइनली टू दी सेंटर कोर। मीन्स कैरोटीन एक्यूमुलेट कैसे होता है, आपने हमने भी बताया कि अगर आप देखिए गाजर को कट करिए तो आपने देखा होगा कि
जो आउटर वाला सर्कल होता है, आउटर जो रिंग होती है, उसमें जो है कैरोटीन या कलर पिगमेंट जो है कंटेंट ज़्यादा होता है, और सेंटर में गाजर आपको वाइट दिखेगी। तो वो एक्चुअली न्यू जाइलम सेल्स होती हैं, जिनमें अभी कैरोटीन की सिंथेसिस नहीं हुई होती है, इसीलिए वो वाइट दिखती हैं। और जो बाहर की सर्कुलर जो रिंग्स हैं, उसमें आपको ओल्ड फ्लोएम सेल्स दिखाई देती हैं, जो जिसमें कि पूरी तरह से कैरोटीन या एंथोसाइनिन की सिंथेसिस हो चुकी होती है। तो इसीलिए आपको जो है यूनिफॉर्म कलर जो है डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता, यानी यूनिफॉर्म कैरोटीन एक्यूमुलेशन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है कल्टीवर, कल्टीवर्स और वेराइटीज़ कि कौन कौन सी कैरेट की कितने तरह की कल्टीवर। तो हम लोगों ने कहा था कि ये एनुअल या बाइनियल टाइप की इसकी लाइफ साइकिल है। तो एनुअल और बाइनियल क्योंकि कैरेट में दो तरह की वैरायटी या कल्टीवर्स देखने को मिले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ साइकिल। जो एक कैरेट जो कि एनुअल लाइफ साइकिल की है, वो ट्रॉपिकल कैरेट कहलाती है या एशियाटिक टाइप कहलाती है, यानी वो कल्टीवर जो एशियन रीजन में ओरिजिनेट हुए हैं। और दूसरे हैं जिनकी बाइनियल लाइफ साइकिल है, यानी 2 साल में उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जिन कैरेट की या कैरेट कल्टीवर्स की, वो यूरोपियन और टेम्परेट टाइप की कहलाती हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि जो कैरेट की जो वेराइटीज़ हैं या कल्टीवर्स हैं, वो दो तरह के होते हैं, या तो ट्रॉपिकल एशियाटिक टाइप और या फिर यूरोपियन और टेम्परेट टाइप। तो चलिए देखते हैं कि क्या अंतर है ट्रॉपिकल टाइप और टेम्परेट टाइप में। जो ट्रॉपिकल टाइप कैरेट होती है, ट्रॉपिकल मतलब जैसे जिस रीजन में हम लोग रहते हैं, इस रीजन में जो कैरेट ग्रो होती है वो एनुअल लाइफ साइकिल की होती है, यानी एक साल में ही इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो जाती है और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी एंटर करके सीड प्रोडक्शन हो जाता है। मीन्स एक साल के अंदर पौधे की ग्रोथ, डेवलपमेंट और सीड प्रोडक्शन सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए ये जो ट्रॉपिकल या एशियाटिक टाइप कैरेट होती है, इसका बीज उत्पादन हम अपने यहाँ भी कर सकते हैं, है ना। लिखा हुआ है प्रोड्यूस सीड्स इन प्लेन्स। अब यूरोपियन और टेम्परेट टाइप की अगर बात करें, तो ये बाइनियल लाइफ साइकिल की होती है। बाइनियल मतलब द्विवर्षीय, यानी एक एक मतलब एक साल जो कूल पीरियड है साल का, यानी विंटर्स की अगर बात करें, अपने यहाँ अगर देखें तो हमारे यहाँ विंटर्स का जो टाइम है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतने तक लो टेम्परेचर रहता है। तो इतने दिनों तक ये कैरेट जो है अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करती है, और उसके बाद क्योंकि टेम्परेचर रेज कर जाता है, तो यहाँ पर जो है वो सीड प्रोडक्शन नहीं हो पाता है ना। तो यहाँ पर अगर हमें सीड प्रोडक्शन लेना है, तो हमें नेक्स्ट ईयर जो है उसको जो है अक्टूबर में फिर से प्लांट करना होगा कैरेट की रूट्स को, ताकि वो सीड प्रोडक्शन करें, है ना। तो इसलिए जो है जो यूरोपियन या टेम्परेट टाइप है, ये बाइनियल लाइफ साइकिल की होती हैं, और इनका सीड प्रोडक्शन जो है वो हमारे यहाँ प्लेन्स में नहीं होता है, वो हिल्स में होता है। क्यों? क्योंकि इनको सीड प्रोडक्शन के लिए इनको चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, और चिलिंग रिक्वायरमेंट का मतलब कि 4.8 से 10 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान इनको चाहिए लगभग 1 महीने तक, फॉर ए मंथ इनको चाहिए, तब यूरोपियन या टेम्परेट जो कैरेट की वैरायटी है उनमें फ्लावरिंग आती है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने यहाँ 1 महीने तक इतना जो है, ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है इंडिया का, जो प्लेन वाला रीजन है नॉर्थ इंडिया का, तो वहाँ पे इतना टेम्परेचर नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर यूरोपियन या टेम्परेट कल्टीवर्स में सीड नहीं आता। जबकि उसी के अपोजिट देखिए, ट्रॉपिकल एशियाटिक टाइप में इनको चिलिंग टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है ना फ्लावरिंग के लिए, यानी ये थोड़ा सा टेम्परेचर रेज्ड रहता है, यानी 15 से 20 का भी टेम्परेचर रहता है, 15 से 20 की रेंज में भी, तब भी इसमें फ्लावरिंग आ जाती है। तो इसीलिए ट्रॉपिकल और एशियाटिक टाइप ये एनुअल टाइप की होती है, मीन्स सेम ईयर में वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो जाती है और सेम ईयर में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी हो जाती है, मीन्स फ्लावर प्रोडक्शन और सीड प्रोडक्शन भी हो जाता है। पर टेम्परेट टाइप में ऐसा नहीं होता, ये बाइनियल टाइप की होती हैं। फोर्थ पॉइंट है लॉन्ग एशियाटिक टाइप का क्या फीचर है, लॉन्ग एंड रेड कलर रूट्स। अगर एशियाटिक कैरेट्स की आप बात करेंगे, तो देखेंगे ये जो गाजर होती हैं ये लंबी आती हैं, आपने मार्केट वगैरह में देखा होगा कुछ गाजर काफ़ी लंबी लंबी साइज़ की आती हैं, डार्क पिंक कलर की या रेड कलर की जो होती हैं, है ना।
और उनका जो कोर सेंटर वाला पार्ट होगा वो वाइट कलर का होगा, ये एकदम क्रीमी होगा, है ना। तो आप उसको देख के पहचान जाइएगा कि ये जो है ट्रॉपिकल या एशियाटिक कैरेट है, मीन्स अपने यहाँ वाली कैरेट है। और साथ ही साथ जो दूसरी तरह की कैरेट आप देखते होंगे जो कि ऑरेंज या थोड़ा सा स्लाइटली येलो कलर में आपको, जिसकी रूट्स आपको देखने को मिलती हैं, और ये बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होती है, अभी हम आगे इमेजेस में दिखाएंगे, है ना। और साथ ही साथ उनका जो सेंटर वाला कोर है वो वाइट नहीं होता, वो भी ऑरेंज ही रहेगा एकदम। आप थोड़ा सा याद करिए, याद करने की कोशिश करिए, जो येलो और ऑरेंज कलर की जो कैरेट आती है उसको जब आप कट करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली कलरफुल रहती है, मतलब उसका सेंटर वाला पार्ट भी कलरफुल रहेगा और बाहर का भी, है ना। तो वो यूरोपियन और टेम्परेट टाइप है, लेकिन जो ट्रॉपिकल और एशियाटिक टाइप है वो लंबी होगी, रेड कलर की होगी। ट्रॉपिकल और एशियाटिक टाइप कैरेट में लाइकोपीन एंथोसाइनिन ज़्यादा होता है, कैरोटीन भी होता है, पर लाइकोपीन और एंथोसाइनिन पिगमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन यूरोपियन और टेम्परेट टाइप में कैरोटीन ज़्यादा होता है। यानी जो ऑरेंज वाली जो गाजर होती है या येलो वाली गाजर होती है, जो थोड़ी सी साइज में छोटी होती है, थोड़ा खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, वो वाली अगर आप कैरेट देखें तो वो कैरोटीन उसमें ज़्यादा होता है, यानी वो वाली कैरेट में प्रो विटामिन ए का प्रिकर्सर जो है वो ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं जो ट्रॉपिकल और एशियाटिक टाइप हैं। तो ट्रॉपिकल और एशियाटिक टाइप वेराइटीज़ में पूसा केसर, पूसा मेघाली, ये दोनों वेराइटी IRI से रिलीज्ड हैं। सेलेक्शन 333, नंबर 29, हिसार गैरिक, पूसा रुधिरा, ये सब, ये जो वेराइटी है पूसा रुधिरा, पूसा असिता और पूसा वसुधा, अर्का सूरज, ये सब अभी रिसेंटली कैरेट की जो वेराइटी है ये अभी रिसेंटली IRI ने प्रोड्यूस की है। अर्का सूरज जो है IIHR बेंगलोर से रिलीज्ड है ना। पूसा रुधिरा मीन्स ये एकदम रेड कलर की है, रुधिरा मतलब रुधिर से ये लिया गया है, रुधिर मतलब ब्लड होता है ना, तो एकदम ब्लड रेड कलर की ये गाजर है, इसीलिए इसका नाम है पूसा रुधिरा। साथ ही पूसा असिता, पूसा असिता ब्लैक कैरेट है, यानी इसमें एंथोसाइनिन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पूरी तरह से ये ब्लैक कैरेट आपको ये ब्लैक कलर में दिखेगी। पूसा वसुधा और अर्का सूरज, ये सब ट्रॉपिकल और एशियाटिक टाइप की कैरेट है। उसी के अपोजिट यूरोपियन और टेम्परेट टाइप की जो कैरेट है वो ओरिजिन यहाँ की नहीं है, वो यूरोप की कंट्रीज़ की ओरिजिन है। कुछ जो है हम लोगों ने भी यूरोपियन और टेम्परेट कल्टीवर्स को अपने यहाँ ब्रेड किया है, जैसे कि पूसा यमदाग्नि है, पूसा यमदाग्नि जो है IRI से ये वेराइटी रिलीज़ की गई है, जो कि टेम्परेट टाइप का कैरेक्टर है इसका, यानी इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए फ्लावरिंग के लिए। उसके अलावा जीनो, इम्पेरेटर, चैंटनी, डैनवर, अर्ली नैंड्स, नैंड्स, नैंड्स हाफ लॉन्ग, ये सारी वेराइटी एक्जोटिक है, यानी फॉरेन की वेराइटी है जो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, मीन्स वहाँ से हम लोग यहाँ ला करके कल्टीवेशन करते हैं, तो इसीलिए इनके नाम आपको जो है इंग्लिश नाम मिलेंगे, जेनो, एम्पेरेटर, चैंटनी, डैनवेयर, अर्ली नैंड्स, नैंड्स, नैंड्स हाफ लॉन्ग, ऊटी, सोलन रचना। तो ये सोलन रचना जो है पालमपुर, सोलन में जो यूनिवर्सिटी है YS परमार यूनिवर्सिटी, वहाँ से ये जो है रिलीज़ की गई है। तो ये सब जो है ट्रॉपिकल और जो है यूरोपियन कैरेट के कल्टीवर्स हैं। तो इनकी कुछ इमेज देख लीजिए, ये देखिए कुछ फेमस है, जो ये पहली वाली इमेज ऑरेंज वाली दिख रही है ये यूरोपियन कैरेट होती है। आप देखते हैं, देखे होंगे मार्केट में जो ऐसी कैरेट आती है ऑरेंज कलर की या बहुत ज़्यादा थोड़ा येलो भी होती है ना। तो और साथ ही साथ इस तरफ देखिए तो ये ट्रॉपिकल कैरेट है, जैसे पूसा असिता है ना, ऊपर देखिए पर्पल और ब्लैक कलर की पूरी कैरेट है। पूसा रुधिरा, उसी तरह जो है पूसा केसर और सोलन रचना, सोलन रचना तो ये यूरोपियन टाइप है, ये भी देखिए ऑरेंज कलर की है और रूट का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो ये अंतर होता है ये एशियाटिक और टेम्परेट कैरेट में। नेक्स्ट है क्लाइमेट, कैरेट को किस तरह का क्लाइमेट चाहिए प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर इसका कल्टीवेशन हम करना है तो हम इसके क्लाइमेट को पहले जानना होगा कि किस तरह के क्लाइमेट में ये ग्रो करती है और किस तरह का क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो क्लाइमेटिक फैक्टर का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, ख़ास तौर से गाजर की शेप और कलर डेवलपमेंट को लेकर के। तो इसको जो है स्प्रिंग समर क्रॉप या ऑटम क्रॉप की तरह हिल्स में प्रोडक्शन होता है, यानी पहाड़ों पर हम इस जो है कैरेट को स्प्रिंग समर और ऑटम सीजन में कल्टीवेट करते हैं, विंटर्स में नहीं, क्योंकि विंटर्स में पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है लो हो जाता है ना।
और हम लोगों ने देखा कि अगर 15 से कम टेम्परेचर अगर गया तो वहाँ पर कैरोटीन का डेवलपमेंट कैरेट में ज़्यादा नहीं होता है ना। तो जो है, और पहाड़ों पर 10 से भी बिलो टेम्परेचर चला जाता है, तो इसलिए पहाड़ों पर विंटर्स में इसकी खेती नहीं करते हैं, वहाँ पर स्प्रिंग समर में यानी फरवरी मार्च से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक वहाँ हिल्स पर इसकी खेती की जाती है। और नॉर्थ इंडिया में मीन्स हमारे यहाँ जो है एज अ विंटर क्रॉप, यानी यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती तो यहाँ पर हम लोग जो है विंटर्स में इसकी खेती करते हैं। और साउथ इंडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ईयर राउंड हम इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि साउथ में हम जानते हैं कि 20 से 25 या 15 से 25 के बीच का एक एवरेज टेम्परेचर ईयर राउंड बना रहता है, तो वो वहाँ पर कैरेट का कल्टीवेशन ईयर राउंड कर सकते हैं, है ना। जो आइडियल टेम्परेचर इसके सीड जर्मिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी बीज उगने के लिए इसको जो आइडियल टेम्परेचर है वो 7 से 23 डिग्री के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए, यानी मिट्टी का जो तापमान है, सॉइल का जो टेम्परेचर है, ये क्लाइमेट के टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, सॉइल के टेम्परेचर की बात हो रही है, तो 7 से लेके 23 डिग्री के बीच का अगर मिट्टी का टेम्परेचर है तो सीड आसानी से जर्मिनेट कर जाएगा। और रूट और की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्लाइमेट में 18 से 23 के बीच का टेम्परेचर सूटेबल है, या 15 से 25 भी कुछ हद तक सूटेबल है। ट्रॉपिकल टाइप की बात किया जाए तो ट्रॉपिकल टाइप हमने बताया कि वो थोड़ा टॉलरेंट होती है, यानी इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा भी हो गया तो इसमें भी प्रॉपर रूट डेवलपमेंट हो जाता है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अगर टेम्परेचर है तो ट्रॉपिकल टाइप में रूट डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन यूरोपियन टाइप को इशेंशियल है कि उसे 4 से 10 डिग्री के बीच का तापमान जो है कम से कम 4 से 6 हफ्ते, मतलब लगभग 1 महीने के लिए उसे चाहिए ही चाहिए, है ना, ताकि उसके रूट का डेवलपमेंट हो सके। सीड स्टॉक फॉर्मेशन, मतलब जो फ्लावर का जो फॉर्मेशन होता है वो 12 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी अगर बीज उत्पादन करना है कैरेट, कैरेट आप मतलब खाने के लिए कैरेट रूट का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब कैरेट का कल्टीवेशन आप कैरेट में बीज उत्पादन के लिए कर रहे हैं, तो आपको 12 से 21 डिग्री का तापमान चाहिए गाजर में फूल आने के लिए। तो ये जनरल क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है जो कि कैरेट को चाहिए। तो अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सॉइल की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए। सॉइल, क्योंकि देखिए ये अंडरग्राउंड रूट क्रॉप है, और हम लोग जानते हैं कि बल्ब क्रॉप हो या रूट क्रॉप हो, जो भी वेजिटेबल जो अंडरग्राउंड पोर्शन जिनमें एडिबल पोर्शन होता है उसको प्रॉपर ग्रो करने के लिए मिट्टी में जितना अच्छा एरेशन हो या जितनी अच्छी पोरोसिटी हो उतना ही अच्छा रहता है ना। तो बेहतर होता है लाइट सॉइल, है ना, थोड़ा सैंडी सॉइल जिसमें प्रॉपर एरेशन और ड्रेनेज की फैसिलिटी रहती है, वहाँ पर रूट अच्छे से ग्रो करती है ना। तो डीप वेल ड्रेन फ्रेयर के लिए उपयुक्त मानी गई है, गहरी मिट्टी हो, वेल ड्रेन्ड मतलब जल भराव की दिक्कत ना हो, और फ्रीएबल मतलब कि जो है जो कॉम्प सैंडी लोम सॉइल अच्छी है, सैंडी लोम सॉइल में आप प्रोडक्शन ले सकते हैं, एरेशन अच्छा होता है, ड्रेनेज अच्छा होता है, इसलिए गाजर की जो जड़ है वो बड़ी जल्दी ग्रो कर जाती है। तो अर्ली प्रोडक्शन लेना है तो आप सैंडी लोम सॉइल लें, है ना, और लंबी जड़ मतलब लॉन्ग रूटेड कल्टीवर, जो अपने यहाँ एशियाटिक टाइप के जो कल्टीवर से, तो जरूर से जरूर इनको सैंडी लोम सॉइल में ही आप कल्टीवेट करिए, क्योंकि सैंडी लोम सॉइल में ही ये जड़ आप पूरी तरह से गहराई तक जा पाएंगे और लंबी लंबी गाजर मतलब जो कैरेट है उसकी रूट की लेंथ अच्छी खासी गेन करेगी। अगर इसी के अपोजिट सपोज करिए हैवी सॉइल है, तो हैवी सॉइल आप जानते हैं इतनी कॉम्पैक्ट हो जाती है, मिट्टी इतनी कस जाती है कि रूट अपनी उतनी लंबाई नहीं गेन कर पाती जितनी कि वो जा सकती है, और ना ही जो है अर्ली प्रोडक्ट मतलब रूट की जो ग्रोथ रेट है वो भी स्लो हो जाएगी, तो जल्दी प्रोडक्शन भी नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ देखा गया है। साथ ही हैवी ईल्ड लेनी यानी उत्पादन ज़्यादा लेना है तो सिल्ट सॉइल उपयुक्त मानी गई है, ठीक है। हैवी सॉइल कब प्रीफर करते हैं, हैवी सॉइल जो यूरोपियन टाइप की जो वेराइटी है, क्योंकि उनमें जड़ लंबी होती नहीं है, छोटी छोटी स्टम्प रूट्स होती हैं, तो उनको हैवी सॉइल में हम कर सकते हैं। कुछ राउंड शेप की भी गाजर होती हैं, एकदम हार्ड शेप रूट, जैसे आपका सलजम आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसी जड़ों वाली भी गाजर होती हैं, यूरोपियन टाइप की वो होती हैं, तो वो राउंड या हर्ष उस हार्ड शेप्ड वाली जो रूट है या गाजर है उसके लिए हैवी सॉइल जो है वो
प्रिफर किया जाता है। लेकिन फिर भी हैवी सॉइल में अगर जो है ग्रो करते हैं तो जो सरफेस होगी गाजर की वो बहुत ही रफ़ होगी और खुरदुरी होगी, कोर्स टेक्सचर की होती है, चिकनी चिकनाहट नहीं होती है ना। तो जो आइडियल पीएच है सॉइल के लिए वो माना गया है 6.6 से 7.1, यानी नॉर्मल जो है सॉइल का पीएच रहना चाहिए। उसके बाद है मेथड ऑफ सोइंग, उगाएंगे कैसे, सॉरी हाँ बोएंगे, बुआई इसकी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सीड रेट जान लेते हैं। 6 से लेके 10 केजी पर हेक्टेयर तक बीज की जो है रिक्वायरमेंट होती है गाजर के लिए, है ना। 6 से 10 केजी डिपेंडिंग अपॉन दी वेराइटी, है ना, कौन सी वेराइटी है या किस तरह से बुआई करने जा रहे हैं ये, क्योंकि बुआई का मेथड भी होते हैं और वेराइटी भी अलग अलग है। सोइंग मेथड दो तरह का होता है, एक या तो रिज या फरो बना करके, है ना, जो जैसे आलू की नहीं रिज और फरो बनाई जाती है वैसे रिज या फरो बना करके, और या फिर फ्लैट बेड में, यानी एकदम फ्लैट में, दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं। और डिबलिंग मतलब लाइन सोइंग भी कर सकते हैं और ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग अच्छा नहीं मेथड माना जाता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में इवन सोइंग नहीं हो पाती है, बीज एक साथ एक बराबर दूरी पर नहीं गिरते हैं, इसलिए ब्रॉडकास्टिंग मेथड को प्रिफर नहीं किया जाता। और ब्रॉडकास्टिंग में सीड रेट भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि बहुत सारे सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं या मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। और डिबलिंग इन लाइन्स में करेंगे, मतलब लाइन में सोइंग करेंगे तो सीड रेट भी कम लगेगा और जो है सारे के सारे बीज जर्मिनेट भी कर जाते हैं। तो लाइन सोइंग ज़्यादा अच्छी मानी गई है और रिज और फरो मेथड ज़्यादा अच्छा माना गया है। अगर हैवी सॉइल है तो ज़रूर से रिज और फरो मेथड में ही, फरो मेथड से ही प्रोडक्शन करना चाहिए, और अगर काफ़ी सैंडी सॉइल है तो रिज फरो और फ्लैट बेड दोनों तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले ज़मीन तैयार कर लेंगे, उसको अच्छी तरह से जुताई करके, है ना, उसको एकदम लेवल करने के बाद उसमें रिज और फरो बनाएंगे। कितनी दूरी पर, 30 से 45 सेंटीमीटर जो है रिज और फरो बनाएंगे। सबसे पहले तो पूरे जितना भी बड़ा आपकी फील्ड है उसको छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए, ताकि सिंचाई करने में जो है आसानी रहे। उसके बाद एक प्लॉट में रिज और फरो बनाइए 30 से 45 सेंटीमीटर। अगर जो है यूरोपियन एशियाटिक वेराइटी है तो 30 से 45 रखिए, लेकिन अगर जो है यूरोपियन टाइप की वेराइटी है तो 25 से 30 सेंटीमीटर सफिशेंट है, क्योंकि यूरोपियन टाइप की गाजर जो है वो छोटी होती है तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगी। फिर हर रिज पर सोइंग करेंगे आप, मतलब जो रिज बनाएंगे उस पर लाइन में सोइंग करेंगे, तो रिज पर एक जो है 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर गहरी लाइन, दो लाइनें बना लीजिए रिज के दोनों किनारों पर। रिज के सेंटर पे बनाएंगे तो एक ही लाइन बनेगी, तो रिज के दोनों ढाल पर किनारे किनारे साइड पर बना लीजिए उंगली से 2.5 से 2 सेंटीमीटर या किसी लकड़ी की मदद से 2.5 से 2 सेंटीमीटर गहरी, और फिर उसमें बीज को लाइन से डिबल कर दीजिए, यानी बीज को बो दीजिए और उसके बाद मिट्टी से उसको ढक दीजिए। बेहतर हो कि मिट्टी बीज को पहले से आपने वाटर में भिगो दिया हो, ताकि वो जर्मिनेट जल्दी कर जाएं। अदरवाइज आपकी सॉइल में भी अगर प्रॉपर प्रॉपर मॉइस्चर है तो बीज जो है जल्दी आसानी से जर्मिनेट कर जाएगा। अगर बीज बहुत छोटे लग रहे हों, आपको लग रहा है कि आप जब गिरा रहे हैं तो एक ही जगह सारे बीज गिर जा रहे हैं, तो बेहतर हो कि उसको बालू में मिक्स करने के बाद फिर सीड को आप सोइंग करेंगे, तो दो दो सीड्स के बीच में अच्छी खासी डिस्टेंस रहेगी, एक के ऊपर एक बीज नहीं गिरेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इवन होगा, आसानी से बो जाएगा। सीडलिंग शुड बी थिन टू ए प्लांट टू। उसके बाद क्या होता है, कहीं जब गाजर उग आती है तो आप देखेंगे बहुत जगह पर 3 4 बीज इकट्ठे एक के ऊपर एक उगाए हैं, तो वैसे में एक भी प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा, इसलिए हमें एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन करना पड़ता है जिसको बोलते हैं थिनिंग। थिनिंग मतलब जहाँ पर ढेर सारे बीज गिर गए हों या जहाँ पर पौधों की डेंसिटी घनत्व ज़्यादा है वहाँ से कुछ पौधे निकाल लेना, तो थिनिंग करना पड़ता है हमें। तो इतना ध्यान रखना है कि एक पौधे से दो पौधे के बीच में 5 से 8 सेंटीमीटर की दूरी हो और बीच के जितने भी पौधे हों उनको निकालते जाना है ना। तो ये थोड़ा लेबोरियस है, इसमें थोड़ा खर्च आता है, लेकिन अगर आपने बुआई इवन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से किया है तो ये प्रॉब्लम थिनिंग की ज़्यादा नहीं आती, लेकिन अगर सीड का सोइंग अच्छे से नहीं हुई है तो आपको थिनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजेशन। तो मैन्योर जिस समय आप फील्ड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, खेत तैयार कर रहे होते हैं, उसी समय 20 से 25 टन FOIM फील्ड में आप अप्लाई कर दीजिए। साथ ही साथ इसको जो है 40 से 50 केजी नाइट्रोजन,
40 से 50 केजी फास्फोरस और 80 to 100 केजी पोटाश की ज़रूरत पड़ती है गाजर को। तो नाइट्रोजन की हाफ डोज और पोटाश और फास्फोरस की पूरी डोज फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही आप ज़मीन में डाल दीजिए, और जो रिमेनिंग डोज है नाइट्रोजन की उसको एक या दो जो है एक या दो स्प्लिट में, एक या दो डोज में डिवाइड करके आप जो है एक एक महीने के अंतर पर निराई गुड़ाई के समय आप अप्लाई कर दीजिए। फिर इरिगेशन की बात आती है, तो इसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए सॉइल में। सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई अप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूख जाएगी मिट्टी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो रूट ग्रो नहीं कर पाएगी। तो पहला इरिगेशन तो सोइंग के बाद, अगर मिट्टी में नमी है तो नहीं देना है, अदरवाइज नमी कम है तो बुआई के बाद ही पहला इरिगेशन आप कर दीजिए। उसके बाद जब 4 से 6 जो है दिनों बाद आप पहला दूसरा इरिगेशन करिए, है ना। सॉइल शुड बी केप्ट मॉइस्ट, लगातार उसको नमी बनी रहनी चाहिए ताकि रूट ग्रो करे। एक्सेसिव इरिगेशन नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक्सेसिव इरिगेशन बहुत ज़्यादा सिंचाई और बहुत ज़्यादा खाद हो जाएगा, तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी और जड़ अच्छे से डेवलप नहीं करेगी, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कब करेंगे? हार्वेस्टिंग डिपेंड करता है वेराइटी टू वेराइटी कि 45 to 60 डेज के बीच के अंतर पर जो है रूट है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती हैं, 45 से 60 दिन के अंदर। तो ये डिपेंड करता है वेराइटी टू वेराइटी। जैसे यूरोपियन जो वेराइटी हैं ये जो है 30 35 से लेके 45 डेज के बीच में रेडी हो जाती हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल एशियाटिक टाइप है ये 45 डेज से ज़्यादा का समय लेती हैं, है ना। तो इतने दिनों पर आप देख लीजिए कि आपकी कौन सी वैरायटी है, उसका क्या मैच्योरिटी टाइम है, फिर आप हार्वेस्टिंग के लिए आपकी क्रॉप रेडी हो जाएगी। हार्वेस्टिंग से पहले ज़मीन को नमी अच्छी बना लीजिए ताकि जो है गाजर को आसानी से उखाड़ा जा सके, अदरवाइज मिट्टी में नमी नहीं होगी, कॉम्पैक्ट होगी, तो आप किसी टूल्स की मदद से अगर हार्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादातर रूट्स के डैमेज होने के चांस रहते हैं, और कभी कभी रूट ज़मीन में ही रह जाती है और ऊपर का वेजिटेटिव पोर्शन आपके उसकी पत्तियां हाथ में आ जाती हैं, तो मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, है ना। तो ये सारी जो है तरीके हैं हार्वेस्टिंग के। उसके बाद ईल्ड की अगर बात आती है, तो देखिए ट्रॉपिकल टाइप की ईल्ड ज़्यादा होती है क्योंकि रूट का साइज़ भी लंबा होता है ना, तो जो है इसकी ईल्ड इसलिए जो है ज़्यादा होती है, 20 to 30 टन पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड मिलती है, और यूरोपियन टाइप की ईल्ड 10 से 15 टन पर हेक्टेयर मिलती है। तो ये जो है वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है। हार्वेस्टेड रूट्स को फिर आप एक बास्केट में रखिए, उसको वाटर में अच्छे से तुरंत वॉश कर दीजिए ताकि उसमें जो भी मिट्टी और डर्ट पार्टिकल्स हैं वो सब हट जाएं और उसकी जो कलर है गाजर का वो ब्राइट हो जाए। फिर उसके बाद हल्का सा उसको शेड में सुखाइए। सुखाना मतलब कि उसकी जो ऊपर की जो लेयर है रूट की, गाजर की जो ऊपर की, वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए, और थोड़ी ट्रिमिंग करिए, मतलब उसमें जो उसका वेजिटेटिव पार्ट है उसको, पत्तियां वगैरह उसको काट करके हटाइए, और साइज़ वाइज गाजर को अरेंज कर दीजिए, मतलब छोटी गाजर एक तरफ, बड़ी गाजर और मीडियम साइज़ की अलग अलग ग्रेडिंग कर लीजिए। ट्रिमिंग के बाद ग्रेडिंग करेंगे ताकि ग्रेडिंग करने से जो है आपका जो क्रॉप है उसका उपज का जो मूल्य है वो अच्छा मिलेगा, यानी छोटी गाजर का मूल्य अलग आपको मिल जाएगा, मीडियम का अलग और लार्ज का अलग, तब आप उसको फाइनली मार्केट में भेजिए। तो ट्रिमिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग ये सब जो है छाए वाले स्थान में करना चाहिए। फिर फ्रेश रूट को अगर स्टोर करना चाहते हैं आप, है ना, 3 से 4 दिन, मतलब अगर आपको लगता है कि अभी हम मार्केट में नहीं ले जा सकते हैं, ग्लट है, तो आप इसको लगभग 6 महीने तक आप अपनी गाजर को स्टोर कर सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 93 से 98% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन में, कोल्ड स्टोरेज में, आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गाजर को 6 महीने तक के लिए लगभग स्टोर कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी पेस्ट और डिजीज़ पे, कि किस तरह के पेस्ट और डिजीज़ जो है कैरेट में लगते हैं। तो कैरेट में जो है रस्ट, कैरेट रस्ट फ्लाई जो है ना, वो एक इसका मेजर पेस्ट है, जो कि जो है इसके जो मैगट्स होते हैं वो रूट में होल कर देते हैं। उसी तरह लाइकस बग होता है, ये भी ये बीज को जो है डैमेज करता है, यानी फ्लावर अगर सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं गाजर का
तो उसमें ये जो है लाइकस बग जो है क्रॉप को डैमेज करता है। साथ ही साथ डिजीज़ ज़्यादा प्रिविलेंट है कैरेट में, डिजीज़ का जो है इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिला है। तो जैसे सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट या रूट रॉट डिजीज़, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, फील्ड में होती है जहाँ पर कैरेट की बुआई होती है, और ये वहाँ होती है जहाँ सॉइल में फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस अगर है। तो ये जो फंगस होता है, ऊपर वाली इमेज देखिए, तो ये कैरेट रूट रॉट है, मतलब ये फंगस देखिए पूरी तरह से इसने गाजर की पूरी रूट को इतने सड़ा देता है ना। तो खड़ी की खड़ी फसल अच्छी खासी वो बर्बाद हो जाती है। उसके बाद दूसरी डिजीज़ है वाटरी सॉफ्ट रॉट। वाटरी सॉफ्ट रॉट आप देखिए, तो ये जो है स्क्लेरेटोनिया स्क्लेरेटोरियम स्क्लेरोटियनम जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये स्टोरेज में होता है एक्चुअली, जब आप स्टोरेज में ये सेकंड वाली इमेज देखिए, तो जैसे कभी आप गाजर खरीद करके ले आइए घर में, तो आप देखिए अगर कुछ दिन रह जाती है तो इस तरह से गोल गोल के जो है सड़न शुरू हो जाती है ना। तो इसी को बोलते हैं वाटरी सॉफ्ट रॉट। ये स्टोरेज की प्रॉब्लम है, ये फील्ड में की प्रॉब्लम नहीं है, यानी स्टोरेज में इस तरह की जो है डिजीज़ गाजर में लगती है। उसके बाद नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हैं जो न्यूट्रिएंट या जो है एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से होती हैं। तो एबायोटिक फैक्टर मतलब क्लाइमेटिक या न्यूट्रिशनल फैक्टर की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो कहलाता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। और बायोटिक फैक्टर की वजह से किसी भी फसल में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डिजीज़ की कैटेगरी में आता है। तो कुछ डिसऑर्डर भी पाए जाते हैं गाजर में, जैसे कैविटी स्पॉट है। कैविटी स्पॉट आपने देखा होगा गाजर में, सरफेस पर देखिए इस तरह से गड्ढे बन जाते हैं, है ना। तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है, या बहुत ज़्यादा एक्सेस पोटेशियम जो है अप्लाई हो गया, पोटाश आपने बहुत ज़्यादा फील्ड में एज अ फर्टिलाइजर अप्लाई कर दिया है, तो कैविटी स्पॉट की प्रॉब्लम आती है। तो आपको सिम्टम्स के तौर पे दिखेगा कि जो गाजर की जो सरफेस है उस पे ये कैविटी या इसको बोलते हैं कैविटी स्पॉट। दूसरा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट है, आपने देखा होगा कैरेट स्प्लिटिंग। आपने देखा होगा गाजर की जो जड़ है वो बीच से फट जाती है, आप सेकेंड वाली इमेज में अगर देखिए तो इसे बोलते हैं कैरेट स्प्लिटिंग। ये होता है जब मिट्टी हैवी सॉइल में आप गाजर का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो कैरेट स्प्लिटिंग की प्रॉब्लम आती है, या एक्सेस नाइट्रोजन दे रहे हैं, या एक और भी रीज़न होता है कि आपकी जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख गई थी और आपने अचानक से इरिगेशन कर दिया है। तो होता क्या है कि पौधा इतनी तेज़ी से पानी एब्जॉर्ब करता है एक्सेस इरिगेशन की वजह से कि उसकी जो इपिडर्मल सेल्स हैं वो सेल्स जो हैं वो उनकी सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है, एक्सेस मॉइस्चर अचानक से इकट्ठा सेल्स जो हैं वो बर्स्ट फट जाती हैं। तो उसी तरह से कैरेट भी इस जो है अचानक से इरिगेशन करने पे ये स्प्लिट कर जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे हैवी सॉइल, एक्सेस नाइट्रोजन नाइट्रोजन और जो है सडन इरिगेशन आफ्टर ए प्रोलॉन्ग ड्रॉट, मतलब लंबी लंबे सूखे के बाद अचानक से सिंचाई करना पे। तो ये जो है कैरेट में इतने तरह की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैरेट का कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेडिश के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। थैंक यू।